बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामईन। देखते हैं इस वॉइस मैसेज में क्या पूछा जा रहा है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। दो बातें आपसे पूछनी थी, अगर टाइम हो तो प्लीज। मेरी जान, अपना तारफ कराएं और अपना जो भी आपने पूछना है वॉइस मैसेजेस में एक एक करके क्वेश्चन रिकॉर्ड करके देते जाए ताकि मैं उनका जवाब देता जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप खैरियत से? ठीक ठाक है। बिल्कुल सर, मैंने कुछ यहाँ पर जमीन ली भी है मीरपुर खास में ना, तो यहाँ पर मैंने दो फसल लगाने थे, कलौंजी और जीरे के। तो इसके लिए कुछ मुझे रहनुमाई फरमा देंगे कि इसके लिए ये मौसम सही है कैसे? मेरी जान, कलौंजी का मौसम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन कोशिश कर लें। पूरा महीना अक्टूबर का ये होता है सोइंग टाइम कलौंजी का, पूरा अक्टूबर में आप लगा सकते हैं। तो आज क्या, आज 3 नवंबर है, बल्कि इस वक्त रात के 1:30 बजे हैं और मैं ये जब कॉल्स ले रहा हूँ ना, सारे जो सुबह रिकॉर्ड हुई थी वॉइस मैसेजेस, उनको मैंने कहा यूट्यूब में बना के चढ़ा दूँ। तो मेरी जान ये है कि आज 4 हो गई, 4 नवंबर, तो अभी भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई, आप कलौंजी लगा सकते हैं। और बाकी रहा जीरी का, और जीरी जो है ना, ये होगी जिसको कोई जीरी कहता है, कोई जीरी कहता है, तो काली जीरी, ये आप 9 नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर में ये लगती है आपके यहाँ। तो नवंबर इज़ द बेस्ट टाइम, तो नवंबर में आप इसकी बुआई कर लें जीरी की और कलवंजी की, अभी जल्दी जल्दी करें, देर ना कर दें, ठीक है ना। और मेरा प्रोग्राम देख लें, वो उसमें मैंने किस तरह जो भी बताया हुआ, किस तरह आपने ज़मीन की तैयारी करनी है, क्या खादें डालनी है, किस तरह उसको हम वार करना है, और रौनी पहले पानी दे के अच्छी तरह वेट करके, ज़मीन तो मॉइस्ट होनी चाहिए, उसके अंदर आपने लगानी है। दो तरीके हैं, खैलियों पे आप लगा सकते हैं, वो चौपों के जरिए 4-4 इंच के फासले पे, या फिर आप सीधी वो जो खैली बनाएंगे, खैली के ऊपर ही लकीर मारते हैं, उसमें सीड डालते जाते हैं, और फिर उसको ये होती है ना, बार हैरो से या हाथों से ही आप वो मिट्टी थोड़ी थोड़ी ऊपर उनको कवर करते जाते हैं। ज़्यादा डीप नहीं होनी चाहिए, ये 1 इंच होता है ना, 3 से 4 सेंटीमीटर ज़मीन के नीचे, और मॉइस्ट होगी तो जल्दी वो उग आएगी। ये तो होगी उसकी प्रोडक्शन, ये सोइंग टेक्नोलॉजी मैं बता रहा हूँ, बाद में और भी दूसरा छठे वाली भी है, वो उसके लिए प्ले ज़बरदस्त हमवार ज़मीन होनी चाहिए, भुरभुरी तैयार कर लें अच्छी तरह, और मॉइस्ट हो, और उसके ऊपर सुहागा चला के छटा दे दें, और उसके बाद बार हैरो से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर चली जाएगी तो नीचे आ जाती है वो सीड आ जाता है, और उसके बाद हल्का सा सुहागा करते हैं, उसके बाद वो 4-5-6 दिन में आप देखेंगे वो उगना शुरू हो जाएगी। तो ये मेरी जान, और जहाँ तक जीरी है, वो भी तकरीबन यही सिस्टम है, यही इन बारीक मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं इनका एक ही तरीका तकरीबन। तो आप नवंबर में उसकी सोइंग कर सकते हैं, आप करें बिस्मिल्लाह, और पूरे मीरपुर खास को सलाम, और दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। फीमाल्ला, आपने अपना नाम नहीं बताया, नाम आइंदा जब भी आपने वॉइस मैसेज भेजना है तो प्लीज़ नाम ज़रूर बताना है, और कोशिश करें कॉल ना करें, वॉइस मैसेजेस में जो भी सवाल आएगा आपका उसका जवाब मिलेगा। देखें अब दिन का ये सवाल आया था, इसकी बारी अब आई है, 1:30 बज गया रात को, रात का तकरीबन 1:30 बजे, 1:25 बज के 25 मिनट हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब का जवाब सुबह आप उठेंगे जागेंगे तो आप कहेंगे ओए मेरा तो पैगाम आया हुआ है, और मेरा यूट्यूब पर प्रोग्राम, और प्लीज़ उसके नीचे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि वाकई आपने
देख लिया यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। ईमान अल्लाह और शब्बा खैर।